इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सर मैं बताऊं? तुम रुको शीला बेटी, इस मुहावरे का अर्थ रजवा बताएगा। अरे रजवा बता तो रे कि मुंह मीठा करने का मतलब क्या होता है। सर मान लीजिए कि आप मर गए। क्या? अरे सर खाली मान लीजिए कि आप मर गए। मान लीजिए कि आप संडास में बैठे बैठे हग रहे थे और अचानक आपको हाथ अटक आया और आप बिना पिछवाड़ा धोए ही तो सुधार गए। तो आपके मरने के बाद जब आपकी तेहरावी होगी और जब आपके सम्मान में आस पड़ोस के लोगों को भोज में बुलाया जाएगा तो हम आपके पुराने स्टूडेंट्स होने के नाते तो पहुँचेंगे ही ना। तो हम लोग लोगों को खिलाने पिलाने में भी हाथ बटाएंगे, उन्हें पूरी सब्जी और रायता भी परोसेंगे और फिर जब अंत में रसगुल्ले बांटने की बारी आएगी तो पता है हम क्या कहेंगे? हम एक बटन दबाते हैं और पैसा। हम कहेंगे लीजिए थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए क्योंकि हमारे सर मर गए। क्या? अरे साहब इतना बढ़िया एग्जाम्पल देकर आपको समझाया फिर भी आप क्या क्या कर रहे हैं? अबे तू रहने दे, तेरा एग्जाम्पल इतना खतरनाक होता है कि मरने से पहले ही मौत आ जाए सामने वाले को। तेरा एग्जाम्पल सुनकर तो मेरी आंखों के सामने मेरी मृत्यु भोज का सीन चलने लगा बे। वैसे कर जब आप मर जाएंगे तो अपने भोज में गुलाब जामुन जरूर बनवाना, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अबे तोतले जब सर मर ही जाएंगे तो गुलाब जामुन बनवाने के लिए क्या स्वर्ग से नीचे आकर बोलेंगे? सर आप ऐसा करना, आप मरने से पहले ही हलवाई को ऑर्डर दे के जाना और हाँ गुलाब जामुन शुद्ध घी के बनवाना, डालने का मुझे पता नहीं है। अबे हराम खोरो सालो, मैं अभी जिंदा हूँ और तुम कमबख्तों ने मेरे मरने के बाद का सारा प्लान तैयार कर रखा है। भगवान ऐसे कमीने स्टूडेंट्स मुझे ही दे रहे थे। और शीला तू भी मुंह मीठा करेगी क्या? क्यों मिठाई है क्या तेरे पास? नहीं। तो क्या चॉकलेट है? नहीं वो भी नहीं। तो फिर किस चीज का मुंह मीठा करेगा? मेरा गन्ना चूस ले। क्या? ये गन्ना बहुत ही मीठा है। ओह ये गन्ना, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। और क्या सोच रही थी, गन्ना तो गन्ना होता है। क्यों बबलू? हाँ बिल्कुल मेरे पास भी एक गन्ना है पर पता नहीं मीठा है या नहीं। लेकिन मुझे गन्ना चूसना नहीं पसंद। तो फिर मेरा लॉलीपॉप चूस ले। क्या? तुम्हारा लॉलीपॉप? हाँ लाडू का लॉलीपॉप। लाडू दिखा दे तीला को अपना लॉलीपॉप। ये देखो एल्पेनलीबे का लॉलीपॉप चॉकलेट फ्लेवर। अरे तुम लोग क्या गन्ना और लॉलीपॉप किए जा रहे हो तब से? अरे सर मुंह मीठा करने की बात चल रही थी ना तो मैं शीला को अपना गन्ना और लॉलीपॉप दिखा रहा था लेकिन वो चूसी नहीं रही है। आप चूसोगे? गन्ना? हाँ, क्यों नहीं, अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो गन्ना भी पसंद है और लॉलीपॉप भी। सर भले ही शक्ल से आप भिखारी लगते हो मगर आपके शौक नवाबी हैं। क्या? वो तो है, बचपन से ही मुझे नवाबों वाले शौक रहे हैं। तब तो आपका अब तक बुलंद दरवाजा हो गया होगा। बुलंद दरवाजा? वो छोड़िए सर, आपके लक्षण देखकर तो ये लगता है कि आप पुरुषों के मियां खलीफा हैं। मियां खलीफा? ये कौन है बे? सर मियां मतलब क्या होता है? श्रीमान। और खलीफा मतलब बहादुर। तो मियां खलीफा का मतलब हो गया श्रीमान बहादुर। आप श्रीमान बहादुर है सर, और मियां खलीफा है सर। अरे वाह मैं श्रीमान बहादुर मतलब मियां खलीफा हूँ। अरे ये तो बहुत बढ़िया उपाधि है यार। मैं और मियां खलीफा, आज से मैं मियां खलीफा हूँ। दोस्तों मास्टर जी तो बन गए मियां खलीफा, आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए MSG2 क्योंकि असली मजा तो यही मिलता है।